फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो वेलकम अगेन टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन। तो घर में बाकी सब सोए हुए हैं, बच्चे दूसरे रूम में सो रखे हैं, मैं उठ गई थी तो बस लग गई थी मैं अपने कामों पर। और ये देखिए अभी ना 4:40 यहाँ पे दिखा रहा है, 5 मिनट ये आगे है, तो 4:35 अभी हो रखे हैं और 5-10 मिनट मेरे को हो गई है उठे हुए। फटाफट से मैंने रूम में जितना भी सामान फैला हुआ था ना उसको समेट के रख दिया है। और गद्दा ये जो है ना टेंट वाला गद्दा, मतलब कि थोड़ा सा ना ये हार्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लेकिन स्ट्रेट टाइप का है। जो सॉफ्ट से गद्दे होते हैं ना उन पे सोने को आजकल मेरे को नहीं जम रहा है, पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता है। तो मैं इसको साइड में नीचे डाल लेती हूँ और इसी पे मैं सो जाती हूँ। दोनों बच्चे उधर बेड पे सोए हुए हैं, तो चलिए फटाफट से मैं हल्के हाथों से झाड़ू निकाल लेती हूँ ताकि ज़्यादा खटर पटर ना हो और बच्चे भी उनकी नींद ना डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि उसको मैं 5:30 या 6:45 तक उठाती हूँ छोटे बेटे को। फिर वो नहा धो के फ्रेश होके तैयार होके स्कूल के लिए हो जाता है रेडी। और जल्दी उठने से पता है सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि हमारे सारे काम ना बड़े आराम से होते हैं, हमें किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं होती है। किसी दिन क्या होता है कि आंखें नहीं खुलती हैं ना, और 5:30 तक अगर बच जाए ना तो फिर तो उस दिन बैंड बच जाती है, क्योंकि 6:30 बच्चे को भेजना होता है, फटाफट से झाड़ू लगाना, फटाफट से उसके लिए टिफ़िन तैयार करना, उसको रेडी करना, उसको उठाना। तो उस चीज़ों में इतना रखता है ना कि बहुत जल्दीबाजी रहती है। और जैसे 4:30 या 5:45 तक मैं जग जाती हूँ, वैसे मोस्टली मैं जग जाती हूँ, तो बड़े आराम से सारे काम होते हैं, खुद के लिए भी हमारा टाइम निकल जाता है। तो जैसा कि सुबह सुबह उठ के सबसे पहला काम होता है घर में झाड़ू निकालने का, तो अंदर से बाहर तक मैंने निकाल दी है अच्छे से झाड़ू, यहाँ बाहर की साइड को भी लगा दी है। और क्योंकि आज मेरे पास काफ़ी टाइम है तो किसी भी चीज़ के लिए ना मेरे पास कोई जल्दबाजी नहीं है, सारे काम मेरे बड़े आराम से हो जाएंगे। और ख़ुद भी मैं ना ताज़ी हवा में, थोड़ा सा सुबह सुबह ताज़ी हवा लेना, ताज़ी हवा में सांस लेना बहुत अच्छा है। मेरे तो लंग्स में भी प्रॉब्लम रही है कुछ सालों से, तो मेरे लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। तो मैं बस यहाँ पे बाहर टहल रही हूँ, इस टाइम पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, ये हमारा डॉगी है, मतलब हमारे ऐसे ही यहीं रहता है। तो ये आ गया है तुरंत, ये भी मेरे साथ इधर उधर कर रहा है। तो बस यहीं पे मैं कम से कम 15 से 20 मिनट की मैंने वॉक कर ली है, बहुत ज़्यादा तो आगे मैं अकेले नहीं जाती हूँ, अपनी गली में ही टहल लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने पाइप लगा लिया था, बाहर की साइड को मैं धुलाई कर दूँगी, यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं ना इनमें पानी डाल के रोड वोड को अच्छे से साफ़ करके और नाली में अच्छे से प्रेशर से पाइप लगा दूँगी, तो अच्छे से सफाई हो जाएगी। और ये काम ना सुबह सुबह हो जाए ना तभी जमता है, जिस दिन सुबह सुबह नहीं होता उस दिन फिर ये रह ही जाता है, क्योंकि बाद में फिर मनसा नहीं होता है करने के लिए। तो ये सब करते करते ना आधा घंटा मेरे को हो गया था, इस टाइम पे 5 बज गए हैं। और ये देखिए साइड वाले भैया भी उठ गए हैं, वो जा रहे हैं अब धूल वगैरह लेने के लिए। तो सब लोग जग गए हैं और लग गए हैं अपने अपने काम पर। और इस टाइम पे ना इतनी मस्त मस्त हवा चली हुई है ठंडी ठंडी, क्योंकि दिन में ना काफ़ी अच्छी खासी सी गर्मी होने लगी है, काम वाम करते हैं ना तो पसीना हो जाता है, बट इस टाइम पे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने मोटर ऑन कर दी थी तो उसका भी अलार्म बज गया है कि वो भर गई है, इसको बस मैंने बंद कर दिया है। और इसके बाद मैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम था तो मैं बस चली गई थी ऊपर 15 से 20 मिनट के लिए। और ऊपर देखिए हमारे यहाँ पे बल्ब नहीं है ना लगा हुआ, तो कितना अंधेरा सा हो रखा है। अभी 15-20 मिनट ऊपर टहल के फिर मैं आ गई थी नीचे, और अब लग जाऊंगी अपने बेटे के लिए टिफ़िन बनाने के लिए। और उसको भी मैंने जगा दिया है, वो फ्रेश होके शावर वगैरह ले लेगा। और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सूखी वाली सब्ज़ी, एकदम झटपट से बनती है और बहुत आराम से बन जाती है, लेकिन इसमें ना टमाटर अच्छे लगते हैं और टमाटर मेरे ख़त्म हो रखे हैं, बट मैं इसमें क्या करूँगी थोड़ा सा सॉस डाल दूँगी, टमाटो सॉस, तो उससे भी ना एक टेंगी सा फ्लेवर आ जाएगा तो अच्छा लगता है। और बेटा भी पसंद करता है, उसको शिमला मिर्च इतनी पसंद है ना कि उसको मैं हर दूसरे तीसरे दिन अगर शिमला मिर्च दे दूँ ना तो वो खा लेगा, कुछ नहीं बोलेगा। और मुझे भी ना शिमला मिर्च का जो एक स्पेशल पर्टिकुलर स्मेल होती है ना, मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है, हस्बैंड थोड़ा कम पसंद करते हैं। तो चलिए फटाफट से बस मैंने मोटा मोटा सा प्याज कट किया है, जीरे धनिया हल्दी मिर्च का मसाला तैयार करके उसमें प्याज डाल के हल्का सा कर लिया है सोटे, फिर उसके बाद डाल दूंगी शिमला मिर्च और 2 आलू कट कर लिए हैं, और इनको फ्राई करके बन जाएगी एक सूखी सी सब्जी। साथ में मैं बना दूंगी पराठे, तो बस यही हो जाएगा बच्चे का नाश्ता और उसके टिफ़िन के लिए। मोस्टली मैं उसको सब्जी पराठे ही देती हूँ, जो पास्ता होता है, मैगी वैगी होती है, वो मैं संडे में बनाती हूँ गर्मा गर्म कभी कभी,
बहुत ज़्यादा नहीं बनती, लेकिन हाँ 10-15 दिन में एक बार मैं उसको दे देती हूँ। लेकिन टिफ़िन में मैं उसको मोस्टली सब्जी पराठा ही देती हूँ, और उसको वही आदत है शुरू से, तो वो खा भी लेता है, ज़्यादा नखरे नहीं करता है। कभी कभी बोलता है कि मम्मा कुछ अलग सा दे दो, मैं उसको बोलती हूँ मैंने कहा बेटे ये सब चीज़ें ना गर्मा गर्म घर पर खाने में ही अच्छा लगता है, क्योंकि वैसे भी ना ठंडी हो जाती है तो फिर कहाँ उसमें रहता है। और सब्जी पराठे अच्छे भी होते हैं तो वो मान भी जाता है, और यही वो लेके जाता है हमेशा। कभी कभी सैंडविच वगैरह दे देती हूँ, बट आज तक मैंने उसको पास्ता तो नहीं दिया है टिफ़िन में। मैगी वैगी वो सब चिपकू चिपकू से हो जाते हैं ना, चिपक जाते हैं फिर अच्छे नहीं लगते हैं। और हाँ जवे दे देती हूँ कभी कभी, जो नमके वाले जवे होते हैं, तो बस यही उसका टिफ़िन होता है, नमके जवे, सैंडविच या फिर सब्जी पराठे। सब्जी मेरी ऑलमोस्ट बन गई है, आटा लगा के मैंने रख दिया है, 5-10 मिनट उसको रेस्ट मिल जाएगा ना, फिर मैं पराठे बना दूँगी फटाफट से। और यहाँ पे मैं इसकी यूनिफॉर्म वाली शर्ट पे प्रेस कर दे रही हूँ, ये मैंने शाम के टाइम में धुल दी थी। लाइट शेड है ना शर्ट का, एक ही दिन पहन के ना ऐसी हो जाती है, और दिन में मैं धुलना भूल गई थी, तो फिर मैंने रात में इसको धुल के डाल दिया था। और आजकल तो गर्मी है ना, पंखे में ही सूख जाते हैं कपड़े, तो बस फटाफट से मैं कर दे रही हूँ इस पर प्रेस, क्योंकि वो गया है शावर लेने के लिए, फिर उसके बाद में हो जाएगा वो रेडी। सब्जी बन गई है, फटाफट से मैं बना दे रही हूँ। बस इस टाइम पे ना 4 ही चपाती बनाऊँगी, 2 पराठे उसके टिफ़िन के लिए, एक वो खा लेगा, और एक बड़ी सी रोटी मैं डाल दूँगी डॉगी के लिए, क्योंकि वो बाहर टहलता ही रहता है तो दरवाज़ा खुलते ही ना उसको तो देना होता है, और वैसे भी 3 बनाते नहीं हैं, तो इसलिए फिर मैं 4 बना दूँगी। बाकी आयुष बड़ा बेटा अभी सोया हुआ है, वो जब जगेगा, और मैं भी अपना बाकी का काम करके जब नाश्ता करूँगी तब बनाऊँगी गर्मा गर्म। सो बच्चे का टिफ़िन मैंने कर दिया है तैयार, और बस साथ के साथ ना मैं काउंटर टॉप को, गैस स्टोव को भी हल्के हल्के क्लीन करती जा रही हूँ, क्योंकि फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं ना, आटा वाटा इधर उधर रह जाता है, तो चीटियाँ आ जाती हैं काफ़ी जल्दी। इसको साथ के साथ साफ़ कर दूँगी तो चीटी वीटे नहीं आएंगे, और फिर मैनेजेबल भी रहता है। और उधर दूसरी साइड को मैंने रख दिया है दूध गर्म करने के लिए, उसके लिए 1 गिलास वो दूध पी लेगा, 1 पराठा खा लेगा, और यही हो जाएगा। बाय बाय बाय। टेस्ट अच्छे से लिखना ध्यान से, ठीक है। और काफ़ी खुश हो गया था कि मैंने आज शिमला मिर्च बनाई है, वो मेरे से पूछ रहा था कि मम्मी क्या बनाया क्या बनाया, मैं उसको ऐसे ही बोले जा रही थी कि मैंने ना आलू बनाए हैं सूखे वाले, तो इतना हैप्पी नहीं हुआ। फिर बाद में जब उसने खाया ना शिमला मिर्च, तो एकदम से स्माइल आई उसके फेस पे, उसको काफ़ी अच्छी सी लग जाती है। तो वो चला गया है स्कूल, उसके बाद मैंने 10-15 मिनट रेस्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे लग गई हूँ अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज पे, और मैं ऐसे अपने हाथों को राउंड राउंड कर रही हूँ ना, तो जैसे आगे से सीधी साइड को कर रही हूँ तो आराम से हो जा रहा है, लेकिन जब बैक से लेके आती हूँ ना तो लेफ़्ट वाले शोल्डर में पेन हो रहा है, पता नहीं कुछ टाइम से हो रहा है, झटका वटका भी नहीं आया, पता नहीं क्यों हो रहा है। तो चलिए कोई नहीं, पर इसलिए मैंने वो धीरे धीरे किया है बैक साइड को, वैसे मैंने स्पीड फास्ट की हुई है, आगे से तो अच्छे से हो रहा है लेकिन पीछे से ला रही हूँ तो उसमें दर्द हो रहा है। और बस अपनी मैं रेगुलर वाली एक्सरसाइज कर लूँगी, जो कि मैं 10 से 15 मिनट के लिए करती हूँ,
और कभी कुछ, कभी कोई, रोज़ सेम नहीं होती है, हर दिन अलग अलग करती रहती हूँ, लेकिन अनुलोम विलोम और थोड़ा सा कपालभाति सेम होता है। पहले मैं एक्सरसाइज करती थी ना तो मैं नीचे ज़्यादा झुक जाती थी, अभी तो मैं बहुत कम झुक पा रही हूँ। बीच में 2-2.5 महीने के लिए बिल्कुल एक्सरसाइज करनी बंद कर दी थी, कुछ हेल्थ इशू भी हो गए थे, कुछ और प्रॉब्लम्स थी कि मैं नहीं कर पा रही थी। अभी मैंने फिर से 7-8 दिन से ही हुआ है, अभी स्टार्ट किया है अपना मॉर्निंग रूटीन एक्सरसाइज वाला, तो अच्छा सा लग रहा है। लेकिन ना पहले वाले उसमें आते आते ना टाइम लगेगा। पहले मैं घुटनों तक अपना मोस्टली सर ले आती थी, लेकिन अभी तो बहुत ऊपर रह जा रहा है, नहीं हो पा रहा है वो, पर चलिए धीरे धीरे हो जाएगा। उसके बाद फटाफट से मैंने ले लिया है शावर और पोछा लगा दिया है पूरे घर में ऑफलाइन, और फिर उसके बाद में शावर ले लिया है अपनी, कर ली है मॉर्निंग वाली पूजा, और उसके बाद मैं यहाँ पर बना के ले के आ गई हूँ। 2 पराठे मैंने बना लिए हैं सब्ज़ी, और साथ में लिया है मैंने छाछ। चाय पीने का मेरा मन नहीं था, छाछ मुझे अच्छा लगता है, सूखी सब्जी और पराठों के साथ पीना छाछ मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। थोड़ा सा काला नमक डाल लिया है, बस यही है मेरा नाश्ता। बेटे ने भी नाश्ता कर लिया है, लेकिन वो उधर दूसरे रूम में अपने खेल में लगा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो यही था मेरा मॉर्निंग रूटीन, मोस्टली ऐसा ही होता है, बस जो ब्रेकफास्ट की चीज़ें हैं वो चेंज हो जाती हैं, वरना एवरीडे मोस्टली सेम ही होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप लाइकिंग। थैंक यू सो मच।